अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंप्रूव योर लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप सब लोग अच्छे से होंगे। जो लोग मुझे न्यू देख रहे हैं, मैंने वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और आज की वीडियो डे क्रीम्स और डे केयर के अलावा डिटेल डे केयर मैं बताने वाली हूँ। जो लोग न्यू देख रहे हैं, बता दूँ मैं अपने चैनल पर ऐसे ही डिटेल रिव्यू देती हूँ। और ये स्क्रीन पर आपको मेरी एक नज़र आ रही है, मुझे 5 साल का स्किन केयर पर एक्सपीरियंस है, स्किन हो, हेयर हो। मैंने इंस्टाग्राम के 2000 लोगों की स्किन पर पिगमेंटेशन, मलाजमा, एक्नी और स्कार्स या हेयर इशू है वो ठीक किया। वो लोग जाके आप फॉलोअर्स के रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। और मैं बिना लालच यूट्यूब पे आई हूँ, इंट्रोडक्शन शॉर्ट इसी देती हूँ कि पहले ही बता दूँ ना, मैंने कभी कोई पेड प्रमोशन की है। मैं बावजूद बैठती हूँ, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैंने पैसे को कभी तरजीह नहीं दी। मैं मुझे जो अल्लाह ने नॉलेज दी है, मैं सिर्फ वो कन्वे करने आई हूँ कि वो सदका जारिया बन जाए और मैं आप लोगों की स्किन को बचा सकूँ। क्योंकि मैं फार्मूला क्रीम, ये गंदी गंदी क्रीम जो यूट्यूब पर आजकल हो रहा है, एक दिन में गोरा, दो दिन में गोरा, मैं हर क्रीम की वीडियो में रिव्यू बनाती हूँ कि जो लोग न्यू देख रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि मैं आई ही उनके अगेंस्ट हूँ कि कोई भी क्रीम 2 दिन में गोरा नहीं करती। और कभी भी मैंने हर वीडियो में जाके आप मेरी देख लें, मैंने हमेशा कहा है कभी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करके नहीं बैठ जाना है। वो बीच में बताऊंगी क्यों, क्योंकि हमारी स्किन को प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। तो मैं अपनी वीडियो में हर स्किन टाइप पर बात करती हूँ, एक्नी, मलाजमा, पिगमेंटेशन, कोई भी एक क्रीम बताती हूँ, सब स्किन टाइप के साथ बताती हूँ। ये मेरा चैलेंज है, जाए मेरी हर वीडियो उठा के देख लें। डिटेल मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, 5 से 6 स्किन टाइप पे ट्राई करवा के ही रिव्यू देती हूँ। ये डे क्रीम के ऊपर मेरी पूरी यूट्यूब की, मेरे जब से मेरी 1 साल यूट्यूब को हो गए, सेकंड में कोई वीडियो बना रही हूँ डे क्रीम्स के ऊपर। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं कितना यूज़ करवाती हूँ, कितना एक्सपीरियंस लेके वाइटनिंग क्रीम या किसी चीज़ का रिव्यू देती हूँ। जो चीज़ गलत है वो गलत होगी। तो ऐसी ही डिटेल, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस और मुखलिस रिव्यूज़, बिना लालच के रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आइए, मुझसे बात कीजिए, मैं चाहती हूँ आप लोगों से बात करना। मेरे फॉलोअर्स से आके रिव्यूज़ पढ़िए, मैं चाहती हूँ आप लोगों की मदद करना। तो मेरे फॉलोअर्स इनको शेयर भी किया करें वीडियो को, ताकि और लोगों को भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हो और मुझे कुछ भी लालच नहीं है। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, डे केयर बहुत ज़रूरी है। अब समर्स में डे केयर लाजमी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सन का एक्सपोजर होता है और बहुत सारी जो आप लोग गलतियाँ कर रहे होते हैं मैं वो बताना चाहूँगी। इसलिए मैंने डिटेल वीडियो बनानी है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं यहाँ डे क्रीम और लोगों की तरह बता के चलूँ कि डे क्रीम अच्छी है, इसको यूज़ करें, बाय। अब मेरी वीडियो में हमेशा कहती हूँ, हर स्किन टाइप के लोग यूट्यूब के ऊपर होते हैं। इस टाइम भी मेरी वीडियो कोई एक स्किन प्रॉब्लम का बंदा नहीं देख रहा, सब देख रहे हैं। किसी को एक्नी होगी, किसी को एक्नी के निशान होगी, किसी को पिगमेंटेशन होगी, किसी को मलाजमा होगी, और मैं एक ही क्रीम बता कर चले जाऊँ तो ये मेरी बेवकूफ़ी या मुझे अपनी यूट्यूब से लालच होगा। ऐसा होता ही नहीं है। कभी भी एक चीज़ से या एक ही चीज़ सब स्किन टाइप के लिए नहीं होती। तो कैसे डे क्रीम यूज़ करनी है, बाकी चीज़ों का मैंने रिव्यू दिया हुआ है, और मैं आज फिर बताऊंगी कि कौन से स्किन टाइप के लोग कौन सी क्रीम यूज़ करेंगे। गलती ना करें कि मैं आज कोई एक न्यू क्रीम रिकमेंड कर दूं तो सारे ही लेने चले जाएं, तो नहीं। अब गौर से बात सुनिए, सीरम्स भी दिखाऊंगी, फेस वॉश भी सब बताऊंगी, कैसे डे केयर करनी है और फिर डे क्रीम्स कैसे यूज़ की जाती हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक गार्नियर की लाइट कंप्लीट सीरम क्रीम है, ये आप लोग को बहुत छोटी सी नज़र आ रही है। ये मैं आपको बताती हूँ कहाँ किस मुल्क की है और मुझे ये क्यों अच्छी लगती है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये समर्स में मैं यूज़ करती हूँ, मुझे समर्स में ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कहने को जी गार्नियर की फेयरनेस क्रीम है, उन्होंने लिखा हुआ भी हुआ है कि ये सीरम क्रीम है, ये फेयरनेस क्रीम है, स्पीड अप है, स्पॉट रिमूविंग है। और मैं अपने चैनल में बता चुकी हूँ, स्पॉट इज़ अनदर थिंग, पिगमेंटेशन, मलाजमा, रिंकल्स इज अनदर थिंग। पिगमेंटेशन मलाजमा वाले अपने आप को स्पॉट्स के बराबर क्रीम्स में समझते हैं, उन लोगों को पिगमेंटेशन होती है। आपको पता है एक्नी का स्पॉट्स कभी बढ़ता नहीं है, लेकिन अल्लाह माफी दे, पिगमेंटेशन का या मलाजमा का एक भी डॉट जो ब्राउन होता है वो फैलता है, वो पूरे फेस पे फैलता है। तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिरम भी साथ यूज़ करें। लेकिन डे में वो लोग क्या यूज़ करेंगे वो सुन लें, लेकिन जिन लोगों को सिर्फ स्पॉट्स हैं, दानों के निशानात हैं या किसी निशानात है, किसी भी चीज़ के निशानात है फेस पे, वो इसको डे में कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, मुझे इसकी ये देखिए कंसिस्टेंसी, मैं बहुत लाइट सा इसको यूज़ करती हूँ, देखें एकदम इंस्टेंट ग्लो भी देती है और ये ऑयल कंट्रोल बहुत अच्छी है। लेकिन मेरी स्किन ड्राई है, क्योंकि शायद मैं से खाली भी यूज़ नहीं करती सीरम के साथ, और मैं बिल्कुल इसको ये देखें इतनी क्वांटिटी में लगाती हूँ पूरे फेस पे, ये देखें इस तरह। अब आप लोगों को खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए, ड्राई स्किन वालों को, ऑयली स्किन वालों को प्रोडक्ट देख के कि यार अगर मेरी स्किन ड्राई है तो मैंने इसे कैसे यूज़ करना है। अक्सर प्रोडक्ट गलत नहीं होती, मैं हमेशा सीरम के ऊपर क्रीम लगाती हूँ, वो बात पूरी डिटेल सुनिएगा, सनब्लॉक चीज़ें कैसे लगानी है। तो इतनी मेरी क्वांटिटी में लगा के मैं पूरे फेस पे या नेक पे ये लगा लेती हूँ डे क्रीम। अब बात है गौर से सुनने वाली, कौन कौन लोग इस क्रीम को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, ये ड्राई ऑयली स्किन वाले दोनों ले सकते हैं। इसके साथ क्या यूज़ करना, मैंने कभी भी ये क्रीम खाली अप्लाई नहीं की, मैं सीरम्स भी दिखाने लगी हूँ आप लोगों को। वो लोग यूज़ करेंगे जिन लोगों को एक्नी के स्पॉट्स हैं, जिन लोगों को वाइटनिंग चाहिए, जो लोग बिल्कुल साफ स्किन है वो लोग भी इसे डे में वाइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिनको एक्नी के स्पॉट्स हैं वो लोग भी दिन में यूज़ कर, एक्नी ना हो, एक्नी को ख़त्म हुए हुए भी 6 महीने हो गए हो, स्पॉट्स में वैसे यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को पिगमेंटेशन ख़त्म हो गई है, लाइट सी बिल्कुल माइल्ड सी रहेगी, वो डे टाइम में से यूज़ करते हैं। नाइट टाइम में वो क्या यूज़ करेंगे सुन लें,
इस तरह ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खाली कतन नहीं। पहले क्रीम्स का सुन लें, मैं सीरम्स का भी बार बार भीष्म बताती हूँ। मैंने अपने वीडियो में, मैं आपको बल्कि डिटेल से बताती हूँ आप लोग की मिस्टेक क्या होती है। खाली एक क्रीम ले ली, मैम हम दिन में क्रीम यूज़ कर लेते हैं बस, फेयर एंड लवली लगा ली या गार्नियर। ये गार्नियर पाकिस्तान की नहीं है माजरत के साथ, ये इंडियन गार्नियर क्रीम है। मैंने पाकिस्तान की यूज़ की है, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है वो, पसीना बहुत फेयर एंड लवली टाइप की है, ये इंडियन है। तो ये अगर आपको मार्केट से इंडियन ओरिजिनल मिलती है तो आप लोग ले लीजिएगा, नहीं समझ आती तो इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। गार्नियर क्रीम मैं पहले बता दूँ, मुझे इसने वाकई ही में एक हफ्ते में स्पॉट्स पे वर्क शुरू किया, लेकिन मैंने इसे कभी भी खाली यूज़ नहीं किया। खाली कभी भी इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं देती कोई चीज़। तो पहली बात, सबसे पहला स्टेप सुबह उठते ही आता है फेस वॉश, और गर्मियों में फेस वॉश ज़रूरी हो जाते हैं बनिस्बत सर्दी, क्योंकि सर्दियों में फेस में इतना ऑयल नहीं होता और बार बार फेस वॉश करने से स्किन उल्टा डैमेज और पर्जिंग शुरू हो जाती है। फेस वॉश की वीडियो मैंने जल्दी बनानी है, आजकल मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, 3-in-1 है, जिसमें मास्क भी है, मास्क की पावर भी है, वॉश की भी और स्क्रब की भी है। ये स्किन स्टूडियो का है, बहुत ज़बरदस्त है, ये आपको नहीं मिलेगा कहीं से वैसी, क्योंकि मार्केट में अभी इसे लॉन्च नहीं कर रहे हैं, ये डॉक्टर्स के पास मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है मेरा, मुझसे आके पूछ लें। वाकई इसमें 3 की पावर है, बहुत अच्छा फेस वॉश है, डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी। पहला स्टेप आता है फेस वॉश या सोप, जी वाइट का सोप, वो भी मैं रखना ये भूल गई हूँ, जी वाइट का सोप या मैं यूज़ करवाती हूँ या मैं ये वाली, ये जो फेस वॉश है ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप, ये स्टेप को कर लेते हैं साइड पे। जब आप लोगों ने उठना सुबह फेस वॉश करना है, ऑयली स्किन वाले 3 टाइम भी फेस वॉश कर सकते हैं गर्मियों में, ड्राई स्किन वाले 2 दफ़ा ही करें, बीच में शाम के टाइम बेशक कोई भी कॉमन साबुन घर में है वो यूज़ करें। उसके बाद आता है सन ब्लॉक को तो लोगों ने मजाक समझा हुआ है, मुझे समझ नहीं आती। मुझे बाहर के मुल्क से जब मेरे किसी गोरों से बात होती है मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उन्हें अवेयरनेस है। वो सन ब्लॉक की बात पहले करते हैं, बाद में किसी क्रीम या सीरम की बात करते हैं। हमारे मुल्क में या एशियन कंट्री में प्रॉब्लम है, मैम नाइट क्रीम बता दें, मैम डे क्रीम बता दें। जब मैं पूछती हूँ यार केयर क्या करते हो, मैम हम फेयर एंड लवली लगा लेते हैं, रात को वो वाली क्रीम लगा ली बस, रेमेडी में कोई नीम पाउडर, व्हाट इज़ दिस। और जब मैं पूछती हूँ सन ब्लॉक, वो हम कभी कभी लगा लेते हैं मैम, व्हाट इज़ दिस। मुझे समझ नहीं आती है हो क्या रहा है, जब से मैंने 2-2.5 साल से सन ब्लॉक कॉन्टिन्यूसली घर में भी, आप देखिए सूरज की गर्मी आपको घर में भी फील होती है, तो सोचिए सूरज की रेस कितनी बारीक होती है, वो कितना सन एक्सपोजर डैमेज करती है। मैं अपने चैनल के थ्रू अवेयरनेस दे रही हूँ, सन ब्लॉक घर में भी लगाइए। वाइटनिंग क्रीम से पहले ना मुझसे सन ब्लॉक का पूछा करें कि मैम सन ब्लॉक क्या यूज़ करें, मैंने इससे अच्छा सन ब्लॉक नहीं देखा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनानी है, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझसे आके पूछ लें ये क्या है और ये मैं क्यों कह रही हूँ कि मुझसे आके इसके बारे में पूछें, ठीक है। इतना अच्छा सन ब्लॉक है कि मैं कोई भी सन ब्लॉक यूज़ करती थी मुझे एक्ने हो जाती थी, मैं सन ब्लॉक से खौफ ज़्यादा हो गई थी, लेकिन जब से मैंने ये यूज़ किया मुझे वाकई में सन ब्लॉक नहीं छोड़ती। और सन ब्लॉक घर में भी लगाया करें, चूल्हे पे बेशक जा रहे हैं सन ब्लॉक लाजमी लगाया करें, सन का एक्सपोजर घर में भी पड़ता है तभी ये क्रीम्स रिजल्ट देती हैं। खाली क्रीमों से कभी रिजल्ट नहीं आता, कभी भी नहीं आता। हमारी बॉडी खाना भी खाती है तो पानी भी पीते हैं हम लोग, अल्लाह ताला ने निज़ाम कैसा बनाया, ये नहीं बनाया सिर्फ खाई जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने पूरा निज़ाम बनाया, तो स्किन पर भी यही होता है। हम लोग वाइटनिंग क्रीम बता दें मैम और कुछ ना बताएं हम, तो मैं तो झूठ नहीं बोलती, मैं कहती हूँ कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। आप जाके इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स के रिव्यूज ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। फेस वॉश करने के बाद सेकंड स्टेप आता है सन ब्लॉक या क्रीम। आप अच्छा लोग दूसरी चीज़ें क्या समझते हैं जी, इस पे यूवी प्रोटेक्शन लिख दिया तो सारी प्रोटेक्शन यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेज की यही करेगी, ऐसे नहीं होता। इस क्रीम में और भी इंग्रेडिएंट डाले गए हैं ताकि आपको इंस्टेंट ब्राइटनअप मिले, ताकि आपको व्हाइटनिंग भी मिले, लेकिन ये प्योरली सन ब्लॉक जो होते हैं सन प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। जो चीज़ प्योर होती है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई भी SPF वाली क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर सन ब्लॉक लाजमी लगाएं। आप फेस वॉश के बाद चाहे तो सुबह, मैं हमेशा कहती हूँ चाहे 8 बजे मुँह धोएं, चाहे 12 बजे मुँह धोएं, चाहे 1 बजे मुँह धोएं, 4 बजे तक या 3 बजे तक की केयर बता रही हूँ। जब ज़्यादा धूप अब 3 बजे तक आ जाती है, 3 बजे तक आप सिंपल ये क्रीम लगा सकते हैं। थोड़ी सी जिनको एक्ने स्पॉट्स है, निशाना आता है, कुछ भी है, मैं बता रही हूँ, बाकी जो भी क्रीम आपको लोगों को डे में मैं सजेस्ट करूँगी, जो भी क्रीम सजेस्ट करूँगी वो वाले लोग ऐसे ही करेंगे, वो क्रीम लगा के ऊपर सन ब्लॉक लगा लेंगे। ये कब तक के लिए होगा, ये 3, 3:30, 4 बजे तक के लिए होगा सन ब्लॉक, यानी दोपहर के 3-4 बजे, उसके बाद आप लोगों ने मुँह धो लेना है। अब मैं पहले आप लोगों को क्रीम्स भी दिखा दूँ। ये क्रीम मैंने सजेस्ट की हुई है पिगमेंटेशन मलाजमा वालों को, ठीक है, जो लोगों को पिगमेंटेशन एंड मलाजमा है, इससे बेहतरीन क्रीम कोई भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मेरे ये थंबनेल शो हो रहा है, मैंने समर केयर के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है, वो देख लें ये कौन सी क्रीम है। जिनको है एक्नी मैंने उनको ये क्रीम बताई हुई है, वो लोग डे में और नाइट में दोनों में यही क्रीम यूज़ करेंगे। नकली असली रख के दिखाई थी आपको, डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो समर केयर की मिल जाएगी, देख लें, लाइफ चेंजिंग वीडियो है। वो डे और नाइट यही क्रीम यूज़ करेंगे सीरम के साथ, सीरम भी बताने लगी हूँ, ठीक है। ये एक्नी वालों के लिए होगी ये पिगमेंटेशन मलाजमा, और वाइटनिंग वालों के लिए ये वाली होगी क्रीम, ठीक है। और जिनको सिंपल वाइटनिंग और लाइट सा मलाजमा है
वो लोग नाइट में यह यूज़ करेंगे, डे में यूज़ करेंगे। जैसे जिन लोगों को ना एक्नी स्पॉट्स हैं लाइट से, और जिन लोगों को वाइटनिंग चाहिए वो ये दिन में और ये रात में यूज़ करेंगे। ये कौन सी क्रीम है मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लें, इससे बेहतरीन क्रीमें नहीं है। मैंने सारी मेडिकेटेड क्रीम यूज़ की हुई हैं, जाएँ मेरी चैनल की प्लेलिस्ट पे, उसने वाइटनिंग क्रीम मेडिकेटेड क्रीम मतलब फोल्डर बना हुआ, कौन सी मार्केट की क्रीम नहीं जो मैंने यूज़ नहीं की हुई, चार पाँच परमानेंट रिजल्ट नहीं है इन क्रीम्स का, मुझे परमानेंट रिजल्ट मिला और वो कैसे मिला है वो आप लोग जाके देख लें मेरी समर केयर की वीडियो। अब बढ़ते सिरम्स की तरफ। मेरी ज़िंदगी के निचोड़ के सिरम मैं पहले भी बता चुकी हूँ और बार बार बताऊँगी, दी ऑर्डनरी नियासिनामाइड सिरम ये देख लें, और ये सिरम, और ये सिरम क्या है, ये सिरम मैं आपको बता दूँ, ये दोनों सिरम्स बहुत अच्छे हैं। अब जैसे कि जिन लोगों को एक्नी है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्नी, मैं उनको आके सिरम्स बता दूँगी, वो ये वाला सिरम भी मुझसे आके पूछ सकते हैं, दी ऑर्डनरी का नियासिनामाइड, और कोई अफोर्डेबल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे एक्नी नहीं है, मेरे बहुत सारे सिरम स्टोर्स में पड़े हैं यूज़ हुए, वो मैं उनको बता दूँगी इंस्टाग्राम पर। लेकिन जिन लोगों को पिगमेंटेशन मलाजमा चीज़ें हैं, या जिन लोगों को ये इन तीनों क्रीम्स के साथ, वो डे एंड नाइट ये वाला सिरम यूज़ कर सकते हैं। सिरम कौन सा है, आई एम जस्ट लव विद दिस सिरम। इस सिरम के अंदर नियासिनामाइड, ग्लूटाथियोन, अल्फारब्यूटन, हेलरोनिक एसिड सब कुछ है। मैं तारीफ नहीं करती किसी चीज़ की, मेरे फॉलोअर्स को पता है कि वो कहते हैं हम थुनने के लिए थक जाते हैं। माई फेवरेट सिरम्स मेरे 4.5 से 5 साल के निचोड़ वाले सिरम्स हैं, ठीक है। आप वो मेरी वीडियो लाजमी देख लें, उसमें नाम लेके बताए हैं, डिटेल वीडियोस भी बताई हैं। वो डे एंड नाइट आप लोग जितनी भी 3-3:30 बजे आप लोगों ने मुंह धोना है, सनब्लॉक उतार लेना है अपना, सनब्लॉक को धो लेना है, उसके बाद ये सिरम्स अप्लाई करना है। जिनको पिगमेंटेशन है मलाजमा वो ये वाली क्रीम लगाएंगे डे में, जिनको नहीं है, जिन लोगों को बताया वो सिरम के ऊपर ये वाली क्रीम लगाएंगे, और ये वाली, और जैसे पता जिनको वाइटनिंग चाहिए वो यही वाली क्रीम लगाएंगे, और रात को भी वो सोने से पहले जिनको पिगमेंटेशन है मलाजमा 2 ड्रॉप सिरम्स के ये वाली क्रीम, जिनको वाइटनिंग चाहिए 2 ड्रॉप सिरम्स के ये वाली क्रीम, जिनको एक्नी है वो ये वाला सिरम भी ले सकते हैं। वही वाली बात है, 3:30 बजे धो के मुंह 2 ड्रॉप इसके वो एक्नी वाली क्रीम लगा सकते हैं, या अफोर्डेबल सिरम एक्नी का पूछेंगे इफेक्टिव, तो वो भी मैं इंस्टाग्राम पे बताऊंगी, डिटेल गाइड करूंगी। वीकली केयर भी बताई हुई है मैंने, इन डे केयर के साथ वीकली केयर भी ज़रूरी है। समर केयर वाली वीडियो मेरी खुदा के लिए देख लें, बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, बहुत लोगों की स्किन चेंज हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अपने चैनल से, प्लीज़ उस वीडियो को शेयर करें और इसको भी, तो वो आके सिरम पूछ लें। सिरम लाजमी है, फेस वॉश भी ज़रूरी है, जिसको जो प्रॉब्लम है वो फेस वॉश भी आके पूछ ले और सॉप भी पूछ ले। ये होती है डिटेल केयर, ये होता है प्रॉपर तरीका। अगर आप डे क्रीम लगा रहे हैं तो वो आपको खाली डे क्रीम से वाइटनिंग नहीं आती है, नाइट क्रीम से वाइटनिंग नहीं होती, सनब्लॉक चीज़ें यूज़ करें, ये है प्रॉपर वे डे क्रीम्स भी यूज़ करने का, नाइट क्रीम भी यूज़ करने का। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो डिटेल अच्छी लगी होगी, ऐसे डिटेल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आके मुझसे बात कीजिए, अपनी स्किन टाइप दिखाइए। नेक्स्ट एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।